हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति स्पाइसी टेबल। तो आज स्वाति आपके साथ लेके आई है, बरसात का मौसम है, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। आज हम बना रहे हैं कॉर्न कचौड़ी यानी भुट्टे की कचौड़ी। खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब है और बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, जान लेते हैं मैंने आज इसे कैसे बनाया। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे एक कप मैदा। आप इसे आधा आटा और आधे मैदे में भी बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मैदा खाना पसंद नहीं है। दोस्तों स्वाद के अनुसार 1/4 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और मोइन के लिए मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह देसी घी भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा कचौड़ियों में खस्ता बनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब यहाँ पे मैं एक मीडियम सा डो लगा लेती हूँ, ज़्यादा मुझे हार्ड डो नहीं लगाना, एकदम सॉफ्ट डो लगाना है। और ऊपर से इसे मैं हल्का सा तेल लगा के ग्रीस कर देती हूँ ताकि जो ये मैदा है ये सूखे नहीं और ये काफ़ी अच्छे से मतलब फॉर्म में आ जाए, थोड़ा सा फूल जाए। इसे मैं अब कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी ताकि जो हमारी कचौड़ियाँ है काफ़ी फूली फूली बने और खस्ता बने। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से मैं इसे रख देती हूँ सेट होने के लिए। अब चलते हैं इसकी स्टफिंग बनाने के लिए। स्टफिंग में आप कॉर्न ले सकते हैं, आप उसे डायरेक्ट कच्चा भी ले सकते हैं या फिर बॉयल करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज, 5 से 6 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन का इसमें बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर बेसन हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे और मैंने इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम पे बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करने में 15 से 20 मिनट आपको इजीली लगेंगे। दोस्तों अब मैं यहाँ पे स्टफिंग बनाने के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल रख रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच सौंफ डाली है। सौंफ में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहते हैं तो साबुत हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैंने जो हरी मिर्ची और अदरक का टुकड़ा कट करके रखा था उसे मैंने यहाँ डाल दिया है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें जो मैंने प्याज चॉप करके रखी है उसे ऐड करूँगी और प्याज को 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनूंगी। देखिए काफ़ी अच्छे से हाई फ्लेम पे भूनने के बाद मैंने इसे मीडियम कर दिया था और अभी 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें कॉर्न पेस्ट ऐड कर रही हूँ। बेसिकली भुट्टे को निकाल कर साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद इसके दानों को मैंने ग्राइंड कर लिया और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, तो कद्दूकस भी सेम ही प्रोसेस होगा आपका। और अब मैं यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैंने पिंच ऑफ यहाँ पर हल्दी ऐड करी है सिर्फ हल्का सा कलर के लिए। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया है। 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार, यानी 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। सारे मसालों को काफ़ी अच्छे से भून लूँगी इसके साथ। पेस्ट हल्का सा कच्चा है तो इसको थोड़ा सा पकने दीजिएगा। अब यहाँ पे 1/2 चम्मच मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास गरम मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह किचन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो ड्राई रोस्ट बेसन रखा था उसे मैं ऐड कर दूंगी। तो अब मैं सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से भून लेती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है ये। अब खट्टा मीठा सा टेस्ट लाने के लिए मैं यहाँ पर 1 नींबू ऐड कर रही हूँ। नींबू से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग में। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आपको उसके पराठे पसंद हैं तो आप इसके पराठे भी बना सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से बन के स्टफिंग तैयार हो गई है। इसे ठंडा कर लेते हैं। आटे को भी 1/2 घंटा हो गया है अच्छे से सेट हुए हुए। अब चलते हैं इसके, इसे रोल कर लेते हैं कचौड़ियों के लिए। तो यहाँ पे मैं, अगर आप चाहते हैं तो स्टार्टिंग में ही सारे आटे की बॉल्स बना के इक्वल पोर्शंस में तैयार कर लीजिएगा, या फिर आपको अंदाज़ा है अगर बनाने का तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डो लीजिए, एक लोई मतलब एक बॉल लीजिए और उसका छोटा सा एक पेड़ा बनाकर आप इसे थोड़ा सा रोल करिए और रोल करने के बाद इसमें आप स्टफिंग भरिए। ये कचौड़ियाँ बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे हम नॉर्मली मूंग की दाल की या प्याज की कचौड़ियाँ बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है, बस स्टफिंग चेंज करना है आपको, बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं करना। तो ये देखिए खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है, सीजनल वैरायटी है ये। आप इसे मतलब अभी ही बना सकते हैं क्योंकि भुट्टे अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट में। तो ये देखिए अब मैं इसको दोनों हाथों में रख कर मसाले को एक हाथ से अंदर से स्टफ करूँगी यानी दबाऊँगी और ऊपर से मैं इसे रोल आउट करती रहूँगी इस तरह से ताकि ये कचौड़ियाँ खुले नहीं। और इसे काफ़ी अच्छे से पैक करना है ताकि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए, क्योंकि अगर कचौड़ियाँ खुल जाएंगी तो आपका ऑयल भी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये बन गया है। अब मैं इसे दोनों साइड हथेलियों की सहायता से इसे फ्लैट करूँगी। आपको अगर ये वाला प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल हल्के हाथ से आप इस पर बेलन भी चला सकते हैं। तो ये देखिए ऑयल मीडियम हो चुका था और लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे रखा था और अब ऑयल काफ़ी अच्छे से हीट हो गया है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ऑयल को गरम मत करिएगा, बिल्कुल लो टू मीडियम रखिएगा।
आप इसे थोड़ा सा मैदा डाल के चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए कचौड़ी मैंने पलट पलट के डाल दी और कचौड़ी कितनी अच्छे से फूल चुकी हैं आप देख सकते हैं। इसी तरह से सारे बैच में इसी तरह तैयार कर लूँगी। कचौड़ियों को बनाने के लिए थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है, 15 से 20 मिनट में कचौड़ियाँ काफ़ी अच्छे से बन जाएंगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।